डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मेरे छोटे छोटे बच्चे लगे हुए हैं अपनी एग्ज़ाम की तैयारी में, और जो मेरे थोड़े से बड़े बच्चे हैं वो टाइम टेबल बनाकर सोच रहे हैं ये हो गया, ये हो गया, और अब मुझे ये करना है। और जो उससे थोड़े बच्चे हैं, जो मेरे जो सेकेंडरी के बच्चे हैं, दे आर प्रिपेयरिंग फॉर देयर बोर्ड्स, और वो कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी चैप्टर वो अनरेड ना छोड़ें, हर चैप्टर को थॉरली पढ़ें, और जो उन्होंने छोटे छोटे से स्नॉप्सिस बनाए हैं उसका रीकैप लें, जल्दी से उसकी रिविजन लें, ताकि एग्ज़ाम में अच्छे अच्छे मार्क्स लें। अच्छा बच्चों, आपको पता है जब हम कुछ मीठा बनाते हैं लाइक गजरेला, खीर, केक, पुडिंग, कुछ भी ऐसा मीठा बनाते हैं ना, उसमें चुटकी भर नमक डाल दें तो मीठे का टेस्ट है ना, जो वो पुडिंग का टेस्ट है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, दुगना हो जाता है। आपने देखा होगा बेकरीज में बिस्किट्स होते हैं, उसमें भी हल्का सा नमक होता है और उससे टेस्ट कितना बढ़िया हो जाता है। ऐसा ही हमारी लाइफ में होता है, जब हम हमेशा जीतते रहते हैं, कुछ हासिल करते रहते हैं, बढ़िया नंबर लेते रहते हैं, तो लाइफ में चलता रहता है ना, अच्छा लगता है। मगर अब अगर कभी कम नंबर आ जाए तो हम सोचते हैं मेरे नंबर कम कैसे आ गए, मम्मा गुस्सा करेंगे, आंटी बोलेंगे। मगर ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर ज़िंदगी में हमेशा मीठा मीठा होगा तो फिर नमक का टेस्ट कैसे पता चलेगा, है ना? और वो जो नमक है ना, वो आपको और एनकरेजमेंट देता है। अगर कम मार्क्स आ गए हैं तो और आप में हिम्मत आती है कि कोई बात नहीं, हो सकता है मैंने अच्छी तरह से रिविजन ना की हो, मैं अच्छी रिविजन करूँगा और अगली बार आई विल बी गेटिंग फुल मार्क्स, है ना? चलिए इसी पॉजिटिव थाट के साथ शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम, टिप्स ब्रॉडकास्टिंग चैनल विद मोनिका मेहता। चिल्ड्रन, एक बड़ी मज़ेदार बात आपको बताती हूँ। पांडा रिसर्च सेंटर में जो रिसर्चर्स होते हैं, जो पांडा के साथ काम करते हैं, उनके पास जाके उनके बिहेवियर को वॉच करते हैं, उनकी जो रूटीन है उसको मॉनिटर करते हैं, वो ऐसे पांडा के पास नहीं जा सकते, वरना पांडा गुस्से में आ जाता है ह्यूमंस को देखकर। वो क्या करते हैं, उन्होंने एक कॉस्ट्यूम पहना होता है जिसमें उनका जो मुंह है वो बिल्कुल पांडा जैसा होता है। तो पांडा उनको देखकर सोचते हैं, अरे ये तो मेरे जैसे लगते हैं, तो उनको पता ही नहीं चलता ये ह्यूमंस हैं, और ह्यूमंस पांडा का कॉस्ट्यूम पहनकर जल्दी से जाकर उनको ऑब्जर्व कर लेते हैं। एनिमल स्मार्ट होते हैं, मगर ह्यूमन बीइंग्स उनसे भी सुपर स्मार्ट है। माय डियर चिल्ड्रन, ये जो अभी मैंने आपको साइन दिखाया है, ऐसे वन बना हुआ है, नीचे ऐसे यू बना हुआ है, वो है कंप्यूटर की बाइनरी लैंग्वेज में से लिया हुआ एक साइन। आपको पता है ओ का मतलब कंप्यूटर में होता है ऑफ, और वन का मतलब होता है ऑन। इन्हीं दोनों को मिलाकर कंप्यूटर में एक साइन बनाया गया है, वन प्लस यू। आधा यू है सेमी सर्कल, उसके ऊपर वन है। आपने अपने लैपटॉप्स और कंप्यूटर्स देखे होंगे, आपने अलग अलग गैजेट्स देखे होंगे, स्मार्ट गैजेट्स, उसमें ऑन ऑफ का बटन यही होता है। क्यों? क्योंकि ऑन और ऑफ बाइनरी लैंग्वेज जो कंप्यूटर की है, उसमें से ऑन और ऑफ, ओ और वन को मिलाकर बनाया गया है ये स्मार्ट स्विच, जिसका मतलब है ऑन एंड ऑफ, ऑन एंड ऑफ। आपको पता था? मुझे पता था, दैट इज वाई आई शेयर दिस फैक्ट विद माई चिल्ड्रन। कहते हैं कि कुछ लोग ऊपर से जितने नज़र आते हैं, अंदर से उतनी पताल में उनकी जड़ें होती हैं। ये ह्यूमन बीइंग्स पे नहीं, ये नेचुरल चीज़ों के ऊपर भी एप्लीकेबल चीज़ है। माउना किया, ये एक ऐसा माउंटेन है जो समुद्र से, सी से सिर्फ 1/3 ही बाहर है, बाकी वो अंदर सी के अंदर है। और कहते हैं कि अगर वो पूरा सी के बाहर आ जाए तो उसकी जो ऊँचाई है, उसकी हाइट है, वो माउंट एवरेस्ट से भी ऊंची होगी। वैसे एक इंडियन ने साउथ अफ्रीका की कलिंजो में जारो, ये जो घाटी है, ये जो चोटी है, उसको भी सर किया है, उसको भी जीत लिया है। खैर,
हम लोग ह्यूमन बींग्स जाते रहते हैं आते रहते हैं, मगर अब कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बन गए हैं कि जब आप माउंटेनियरिंग करते हैं, आप माउंटेन्स पे जाते हैं, तो कुछ वेट जो आप अपना लेके जा रहे हैं वो तो वापस लाना ही है। ऊपर जो गार्बेज हम ह्यूमंस फेंक के आते हैं ना, ऑक्सीजन सिलेंडर्स, मास्क, अपने बैग्स, अपने लगेज, अपने जो फूड कार्टन्स हैं वो भी हमें वापस लाने पड़ेंगे, और कुछ कुछ इंटरवल्स वो बीच में लेते हैं ताकि ऊपर ज़्यादा कंजेशन ना हो और ऊपर पहाड़ियों पर पॉल्यूशन ना फैल सके। आहा, आई हैव अ गुड न्यूज़ टू शेयर विद यू ऑल। नेशनल फैमिली एंड हेल्थ सर्वे हुआ है जिसमें पता चला है कि पहली बार जो गर्ल्स हैं उनकी तादाद बॉयज़ से ज़्यादा है, लेडीज़ की जो तादाद है वो जेंट्स से ज़्यादा है। हर 1,000 मेन के पीछे 1,020 वुमन हैं। वाओ, ओ वुमनिया, आहा वुमनिया। वैसे ये बैलेंस बन के चलना चाहिए क्योंकि दोनों ही हमारे जो सिस्टम है उसके इंटेग्रल पार्ट हैं। दोनों एक साथ चलेंगे, बैलेंस बना के चलेंगे, तो हमारी लाइफ भी होगी बैलेंस बैलेंस। हम डिप्सियंस हमेशा ये बिलीव करते हैं कि सिर्फ किताबों से पढ़कर नॉलेज नहीं मिलती है, असली नॉलेज खेल के मैदानों पर भी मिलती है, स्केटिंग करके मिलती है, लॉन्ग जंप से मिलती है, हिस्ट्रॉनिक से मिलती है, माइंड से मिलती है, गिद्दा भांगड़ा से मिलती है, एलोकेशन से मिलती है, डिबेट क्विज से मिलती है। तो ये एक्टिविटीज़ आर द इंटेग्रल पार्ट ऑफ डिप्सियंस रूटीन। हम ऐसे कॉम्पिटिशन करवाते ही रहते हैं। आइए आपको ग्लिम्सिस दिखाती हूँ रिसेंटली जो हमने लॉन्ग जंप और हर्डल रेसेस और स्केटिंग करवाई है। वाह, मुझे तो देख के बहुत मज़ा आया और मुझे प्राउड फील होता है अब डिप्सियंस पर जो कि इतनी मेहनत कर रहे हैं पढ़ाई में भी और स्पोर्ट्स में भी। दे आर लिविंग नो स्टोन अनटर्न्ड। हाँ जी, अब आपको एक बढ़िया सी वीडियो दिखाती हूँ और उसके बाद जाती हूँ, आऊंगी फिर लेकर ढेर सारी इन्फॉर्मेशन। आई एम योर फ्रेंड मोनिका मेहता एंड यू वर लिसनिंग डिप्स ब्रॉडकास्टिंग चैनल। टेक केयर, सायोनारा।